अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद सालिम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जियो कस्टमर केयर को कॉल कैसे लगाएं। अगर आप जियो कस्टमर केयर से कॉल लगाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर घंटे का पहले कहना है ऐसे ऑल में प्रेस कर देना है, और यहाँ कॉमेंट बॉक्स में आपको जियो कस्टमर केयर करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जियो कस्टमर केयर से कॉल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो फ़ोन पर आकर आप जहां कॉल लगाते हैं, यहां आपको 198 पर आपके जियो सिम से आपको कॉल मिलाना है। दोस्तों यहां देख सकते हैं, आपको कॉल लगाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 2 GB है, जो आपके 2 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है, और ये 22 मई 2023 12:21 AM पर रिन्यू होगा। रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा प्लान। दोस्तों हम यहाँ 1 दबाते हैं। रिचार्जेस और प्लान्स के लिए 1 दबाएं। टोल फ्री डेटा वाउचर, नए वर्क फ्रॉम होम पैक, जियो फोन डेटा एडऑन पैक की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने वाउचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए 3 दबाएं। ISD इंटरनेशनल रोमिंग, टॉप ऑफ और अन्य पैक्स के लिए 4 दबाएं। जियो ट्यून्स के लिए 5 दबाएं। जियो फोन 2021 ऑफर, नए सुपर वैल्यू रिचार्ज प्लान, नए वर्क फ्रॉम होम पैक्स और जियो फाइबर के बारे में जानकारी के लिए 6 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों सलाहकार से यानी कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाने के लिए कह रहा है। मैं कॉल कर देता हूँ क्योंकि मुझे कॉल नहीं लगाना है कस्टमर केयर से। तो मैंने जैसे जैसे दिखाया ऐसे आप कॉल लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जियो कस्टमर केयर से आपका बात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नए वीडियो के साथ।